जय हिंद। मैं वेटरन विंग कमांडर अनुमा आचार्य भारतीय वायुसेना के पहले महिला लॉजिस्टिक्स बैच की अधिकारी हूँ। अग्निपथ स्कीम के लॉन्च ने मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया। वो 2017 का साल था जब तत्कालीन महिला रक्षा मंत्री ने एक कैजुअल सा शलवार कुर्ता पहनकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया था। उसी साल सरकार ने सबसे पहले फौजी अधिकारियों के स्टेटस को सिविलियन समकक्षों के सामने जब लोअर किया तो फौजियों का विरोध मुखर हुआ था और तब वो पॉलिसी लागू नहीं हुई थी और लेटर रद्द कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद कुछ शहरों में सैनिकों के रिहाइश वाले इलाके से सरकार ने सामान्य ट्रैफिक के जाने को मंजूरी दी थी। हमारे फौजियों में बड़ा हल्ला हुआ था, लेकिन रोड तो फिर भी सबके लिए खुली गई। फिर आया नंबर कैंटीन सुविधाओं की राशनिंग का। एक बार फिर फौजियों ने आपस में खूब आलोचना की, लेकिन हुआ वही जो सरकार ने चाहा और राशनिंग हो ही गई। फिर सेवारत फौजियों के फ्री राशन पर आंच आई। बाद में जब आंतरिक गुस्सा दिखा तो कुछ सुधार किया गया। उसके बाद एक नया जायजा लेने के लिए ऐसी पेंशन स्कीम का ड्राफ्ट भेजा गया जिसमें 20, 25, 30 और 35 वर्ष की सेवाएं देने पर अलग अलग परसेंटेज में पेंशन देने की बात थी। चूंकि इस बात पर बहुत हंगामा हुआ तो उस वक्त तो ड्राफ्ट को शायद कुछ समय के लिए मुलतवी कर दिया गया, पर वो भी दोबारा आएगा जरूर। इधर धीरे धीरे ECHS स्कीम भी कच्चे पक्के तरीके अपनाने लगी और इसका बजट भी कम हुआ। कई एम्पैनल हॉस्पिटल्स के भुगतान नहीं हुए तो उन्होंने पूर्व फौजियों के इलाज में आनाकानी करना शुरू कर दिया। इसी बीच 2 साल पहले जब बिना किसी रिसर्च, चर्चा या प्लानिंग के प्राइवेट और एनजीओ और सरकारी साझेदारी से कई सैनिक स्कूलों को खोलने की घोषणा हुई तो अजीब सा लगा था, क्योंकि ये ना तो सेनाओं के हित में दिखा और न ही विद्यार्थियों के। उसके बाद एक बार फिर जब बिना किसी ग्राउंड वर्क के महिलाओं के लिए एनडीए रूट भी शुरू कर दिया गया, इस बार वे बुजुर्ग जनरल और दूसरे वेटरन्स जो अपने रिटायरमेंट के बहुत सालों बाद व्हाट्सएप ग्रुपों की बदौलत नए नए धार्मिक बने थे और सत्ता की ठकुर सुहाती करने की होड़ में बीजेपी के अंगूठे के नीचे आ चुके थे, थोड़े बहुत कसमस आने लगे। विमेन और एनडीए, उन्हें कुछ ज्यादा ही तकलीफ हुई थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो इस सरकार ने ORP का पुरजोर विरोध किया और 2500 दिनों से ज्यादा के संघर्ष के बाद भी वेटरन्स इसी साल के शुरू में कोर्ट में केस नहीं जीत सके। हाँ, इस बार फौजी तिलमिलाए तो थे, लेकिन कहां कुछ कर पाए थे। ऐसा ही कुछ जाना बूझा हुआ डिले नॉन फंक्शनल अपग्रेड के केस में हुआ। यही नहीं, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अधिकारी और जवानों को साथ बिठाकर संबोधित किया और उनके बीच अलग किस्म की श्रेष्ठता वाली खाई भी बनाई गई, लेकिन तब भी न कमांडर्स कुछ बोले और न ही वेटरन्स। आगे रक्षा मंत्रालय डिफेंस लैंड को मोनेटाइजेशन की भेंट चढ़ाता गया और क्या तो सर्विस ऑफिसर्स और क्या वेटरन्स सिर्फ ताकते रहे। और फाइनली अब जब ये अग्निपथ स्कीम, कहना तो मैं इसे स्कैम चाहती हूँ, एक बार फिर बिना चर्चा के अचानक 14 जून को लॉन्च हो गई तो हमारे इन्हीं बुजुर्गवार वेटरन्स को झटका लग गया और वे खुले तौर पर सरकार की आलोचना करने पर उतर आए। वैसे अगर अब भी चुप रहते तो मुझे यही लगता कि उनकी रगों में खून का लाल रंग बहुत हल्का होते होते नारंगी हो गया है। क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, कभी सोच कर देखिएगा कि क्यों। मैं जानती हूं कि 90% फौजी, मैं सब जानता हूं, इस नाम की बीमारी के शिकार हैं और दूसरे फौजी को भी बुद्धि ही नहीं समझते हैं। ऐसे में बड़ा आसान होता है कमजोर नस को पहचानना, और वही तो किया आज की सरकार ने। अपने वर्तमान स्वरूप में अग्निपथ न सेनाओं के हित में है और न युवाओं के।
इसकी बेनिफिशियरी केवल सरकार है जो इसके प्रचार से राजनीतिक मंसूबे साधेगी और रोजगार के आंकड़ों से छेड़ तो होगी। 4 साल बाद बाहर निकले युवा हर तरह से अध कचरे होंगे, ना तो योग्य फौजी और ना ही शिक्षित। हां, जैसा कुछ विद्वान एंकर कहते हैं कि वे सिक्योरिटी गार्ड जरूर बन जाएंगे, लेकिन सब वो भी नहीं बन पाएंगे। 4 साल के लिए आने वाला युवा जब खुद को 25% में नहीं पाएगा तो उस वल्नरेबल उम्र में उसकी प्रतिक्रिया उसे डिप्रेशन में ले जाने वाली होगी या बदला लेने वाली होगी, कौन कह सकता है। अगर वो बाहर आके पढ़ना शुरू करेगा तो पाएगा कि उसके साथ वाले उससे 4 साल आगे हैं। और जिन दूसरे देशों की तथा कथित सक्सेस स्टोरी पर यह हुआ है, उन देशों के बराबर अपनी जनता को क्या दे सकी है ये सरकार, पूछना तो बनता है ना। वैसे भी नकल में अक्ल जैसी बात कम से कम सरकार में तो नहीं दिखती। कुल जमा ये कि पूर्व फौजियों के लिहाज से हमें सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए जो अपनी मां जैसी संस्था को धीरे धीरे बर्बाद होने से नहीं बचा सके और कहीं ना कहीं उस आग में घी ही छोड़ बैठे जो घर जला देती है। बुजुर्ग वेटरन से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका और दूसरे वेटरन्स का आह्वान करती हूं कि और कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर विरोध करें, करिए, नहीं तो उस नाम नमक और निशान का हक भी अदा ना कर सकेंगे जिस पर जान न्योछावर करने की बात किया करते थे। जी हां, मैं छोटे बू बड़ी बात कह रही हूं, पर बात तो देश की है ना, सेना की है ना, और बात पते की है। जय हिंद।